हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवी के टिप्स। और मैं हूँ रेखा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रे हेयर कवरेज को लेकर, यानी कि जो सफेद बाल हैं। हर कोई तो सफेद बालों को लेकर एंजॉय नहीं करता है, क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम है ये है ग्रे हेयर की, यानी सफेद बालों की, ये टीनेजर को भी होने लग गई है। ये हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसे हो रहे हैं कि जिसके साइड इफेक्ट ये कह सकते हैं हम, इसका बॉडी का जो इंटरनल जो है वो हमारा ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है या हो जाती है। तो जिसकी वजह से कम उम्र में ही आजकल बालों की समस्या जो है ना वो बहुत ज्यादा हार्डली आपको देखने को मिलती है। छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद होने लग जाते हैं, बड़ों के तो एक एज के अनुसार होते ही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले नेचुरल थेरेपी में जो जाते हैं, नेचुरल थेरेपी में हम क्या देखते हैं कि हम कुछ नेचुरल कर ले, तो सबसे पहले बात आती है हिना की। हिना एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है बालों को काला करने का, बट बाल उससे काले नहीं होते हैं। एक जो उसका जो कलर है वो एक रेड जो होता है, रेड करके छोड़ देता है बालों को, जो कि अच्छा नहीं लगता, उतना अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद क्या होता है, हम सेटिस्फाई नहीं होते और हिना को छोड़ के हम शिफ्ट हो जाते हैं हेयर कलर पे। तो हेयर कलर पे जब हम शिफ्ट होते हैं तो उसमें भी फिर हम थोड़े टाइम बाद में फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, क्योंकि केमिकल बहुत होता है एक तो हेयर कलर में। मैं ये कहती हूँ कि कलर खराब होते हैं, कलर अच्छे होते हैं, बट काफी टाइम तक अगर आप उसे यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका भी एक साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। या तो आप उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इसकी वजह से आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, या फिर बहुत सारी कुछ हेयर में ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है केमिकल की वजह से, किसी को सूट नहीं होता कि आप थोड़े टाइम बाद उसको भी यूज करना नहीं पसंद करते हैं। तो आज की मैं वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसी आपको ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ बालों को काला करने का नेचुरल तरीके से, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। और बिल्कुल ये होम रेमेडी है दोस्तों, जो आप घर में ही बहुत इजीली इस डाई को बना सकते हैं, कि हेयर डाई में बताने वाली हूँ आपको, जो कि आपको बनाना है कॉफी से। और इसके साथ में दो तीन इंग्रेडिएंट आपको और यूज करने हैं, तो आप मेरे साथ में वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे आगे भी शेयर कीजिए, क्योंकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, बाल जिनके सफेद हैं और उनको प्रॉब्लम से निजात नहीं मिल रही है, बहुत बार बार डाई करके हिना कर करके कलर लगा लगा के परेशान हैं, तो कम खर्च में उनको ये रेमेडी बहुत पसंद आएगी, मैं बता रही हूँ। तो इसको आगे शेयर जरूर कीजिए कि लोगों को फायदा मिल सके इस वीडियो को देखकर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस डाई को हमें बनाना कैसे है। हमें चाहिए कॉफी पाउडर 2 चम्मच एंड हमें चाय पत्ती का पानी 1/2 ग्लास चाहिए इसको बनाने के लिए, और चाहिए डीप कंडीशनर जो कि डीप हाइड्रेंट होना चाहिए, किसी भी ब्रांड का हो सकता है वो। कॉफी इसका स्टार इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं, क्योंकि कॉफी का ही हम डाई बना रहे हैं। तो इसको अब मैं बता देती हूँ आपको, इसको बनाना कैसे, तीनों चीजों को मिक्स कैसे करना है। आपको लेना है 2 टेबल स्पून कॉफी लेनी, कॉफी आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, और आज काफी लोग तो घर में ही रखते हैं, बहुत से लोग आजकल कॉफी के शौकीन है तो वो कॉफी पीते ही है। तो आपको 2 चम्मच आपको अच्छे भर के चम्मच आपको कॉफी लेना है, एंड आपको चाय पत्ती का जो पानी है उबला हुआ, चाय पत्ती का जो पानी है वो आपको 1/2 ग्लास लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। एंड आपको जो डीप जो हाइड्रेंट जो मैंने कंडीशनर दिखाया, वो कंडीशनर भी आप किसी भी ब्रांड का लें, बट कंडीशनर भी डीप हाइड्रेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बालों में फ्रिजनेस आती है वो कंडीशनर अच्छा यूज ना करने की वजह से आती है। तो बाल अगर जो कंडीशनर अगर आप यूज करेंगे डीप हाइड्रेंट का, उससे आपके बालों में जो पानी की जो कमी है वो पूरी होगी, जो पीएच लेवल है वो बैलेंस रहेगा आपका। और जो हम चाय पत्ती का जो पानी लेते हैं वो भी काफी एंटीऑक्सीडेंट होता है, और हमारी जो कॉफी है वो तो बहुत ही अच्छा कलर भी देती है, और कितनी नेचुरल इंग्रेडिएंट है ये तो आप सभी जानते हैं। कॉफी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है कॉफी, और इन सब चीजों की सबसे बड़ी बात कि इन चीजों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि ये 2 चम्मच कॉफी लीजिए, 1/2 ग्लास आप चाय पत्ती का पानी लीजिए, एंड आप जो कंडीशनर जो यूज करने वाले हैं उसमें कंडीशनर आपको लेना है 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम आपको कंडीशनर लेना है, और इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करके एक आपको स्मूथ पेस्ट बनाना है। स्मूथ मतलब इतना पतला नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल वो रनी हो जाए, बहने लग जाए। आपने देखा होगा आप डाई लगाते हैं, जो अदर डाई आप लगाते हैं उसका घोल कैसा होता है, उसका पेस्ट कैसा होता है, सेम वैसा ही आपको एक अपना उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको वैसी ही रखनी है। एंड आपको उसको ब्रश से काफी अच्छे से आपकी जहां जहां आपके ग्रे हेयर हैं, जो भी जैसे जड़ों से अगर आपके हैं, तो काफी अच्छे से आप उसको पूरे बालों में लगाइए, और कम से कम 1.5 घंटा 1 घंटा आप उसको छोड़ दीजिए।
उसके बाद में आप शैम्पू आपको बिल्कुल नहीं करना है उस दिन। आप जब हेयर वॉश करने जाते हैं तो हेयर वॉश करते हैं जब उसमें जो हेयर वॉश का आपका जो पानी है उसके अंदर आपको क्या करना है, जो एक मेन टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो होम रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ, जो घर में बनाने वाला DIY जो आपको डाई है, इसको अगर आप लॉन्ग टाइम तक इसको रखना चाहते हैं कि ये लॉक हो जाए, पानी डालते से ना छूटे, तो आपको अपने पानी में जिसे आप वॉश करने वाले हैं 2 चम्मच यानी कि भर के 2 चम्मच आपको एप्पल साइडर विनेगर मदर टिंचर होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है, तो आप उसको डाल लीजिए। उसके बाद में उस पानी से आप उसको वॉश कीजिए अपने जो भी आपने डाई लगाया है ये जो बनाकर। तो ये क्या करेगा, जो एप्पल साइडर विनेगर है वो आपके जो कलर है ये कॉफी वाला जो डाई हमने बनाया है उसको लॉक कर देगा। तो ये आपका कम से कम 15 दिन आराम से चलेगा, क्योंकि एक तो होम रेमेडी और काफी नेचुरल है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बाद में आप हर 15 दिन में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और खर्चा भी ज्यादा कुछ नहीं, कोई मार्केट से कुछ नहीं लाना है। तो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही काम आने वाली रेमेडी है ये। जो टीनेजर है, जो आजकल के 16-17 साल के बच्चे हैं, उनको ग्रे हेयर हो जाते हैं ना, ये वो यूज करें तो बहुत बढ़िया है। केमिकल और या हिना लगाने से बच सकते हैं, क्योंकि हिना भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता, बालों में कोटिंग दे देता है, बाल आखिर में जाके ड्राई डैमेज होने लग जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो, ये जो नुस्खा है, ये आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। और काफी लोगों को आज के टाइम में इस चीज की जरूरत होती है, कुछ नेचुरल थेरेपी मिल जाए। मार्केट में केमिकल और महंगी चीजें तो बहुत मिलती है, बस नेचुरल पे हमें जाना चाहिए। तो नेचुरल में ये बहुत कुछ हम घर में ही कर सकते हैं, घर में बैठ के। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और मुझे कमेंट करके रिजल्ट जरूर बताइए।